वेब दुनिया लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति, जो आपको बताने वाली है आज की बड़ी खबरें। सीधे रुख करते हैं वेब दुनिया पोर्टल की तरफ और जानते हैं कौन सी आज की बड़ी खबरें हैं। बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। बुरी खबर, कमजोर पड़ी मानसून की रफ्तार। नीचे खबर की तरफ बढ़ेंगे। केरल तट पर समय से 2 दिन पहले दस्तक देने के बाद अब दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो आगे बढ़ने की रफ्तार धीमी कर चुका है। फिलहाल ये समय से पीछे चल रहा है। आमतौर पर 15 जून तक मानसून गुजरात और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, राजस्थान के दक्षिणी हिस्से तक पहुंच जाता था। साथ ही पूरे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को सराबोर करता हुआ इस समय तक उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुका होता है, लेकिन इस साल ये अब तक बिहार और झारखंड पहुंचा ही नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में मानसून के बिहार और झारखंड पहुंचने और गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में और आगे बढ़ने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। दूसरी बड़ी खबर काफी मजेदार है। गजब, पाकिस्तान की झांकी में लहराया भारतीय तिरंगा, मचा बवाल। बात करते हैं नीचे खबर की। एससीओ द्वारा बीजिंग मुख्यालय में आयोजित एक स्वागत समारोह में आयोजकों को उस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब पाकिस्तान की झांकी में लाहौर के शालीमार गार्डन के तौर पर तिरंगे के साथ भारत का लाल किला दिखा। भारत और पाक के एससीओ में प्रवेश को रेखांकित करने के लिए इस स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। शंघाई सहयोग संगठन के दावत समारोह में बुधवार को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले को लाहौर के शालीमार गार्डन के रूप में दिखाया गया। भारतीय राजनयिकों ने इस पर आपत्ति तो ली, इसके बाद पाकिस्तानी अधिकारी ने इसे अपनी चूक माना। बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। मोदी की यात्रा से पहले भारत का अमेरिका को बड़ा झटका। क्या है यह बड़ा झटका, जानते हैं खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले भारत ने अमेरिका से हेलीकॉप्टर खरीद का सौदा रद्द कर दिया है। यह अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत ने अमेरिका से 16 हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा तय किया था, लेकिन कीमत को लेकर बात नहीं बन पाई। रक्षा मंत्रालय ने इस सौदे को रद्द कर दिया। इन हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए भारत ने अमेरिकी विमानन निर्माता कंपनी से 6,500 करोड़ रुपए का सौदा किया था। इस सौदे को रद्द करने के बाद रक्षा मंत्रालय ने सैनिक क्षेत्र में मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने का फैसला लिया है। पीएम मोदी 25 जून को अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। वे वहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ताजा तरीन खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। सब्सक्राइब कीजिए हमारा वीडियो चैनल। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।